मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ फारसी एजुकेशन अफानसु। लेट वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 बेटा, मॉडल्स ऑफ एटम। ओके, एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द जेजे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ओके, तो जेजे थॉमसन ने जो एटम का मॉडल दिया था बेटा, ही टेल इट लाइक ए क्रिसमस पडिंग। यू नो क्रिसमस पडिंग इज ए डिश व्हिच इज मेनली मेड ड्यूरिंग द क्रिसमस और ऑन द क्रिसमस। इसमें जनरली होता क्या है बेटा, ये चॉकलेट की बनी होती है, बीच में इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं, अंडरस्टैंड। तो जेजे थॉमसन ने इसको वैसा ही मॉडल बनाया। ही स्टेट्स दैट कि इसके जो पूरा का पूरा जो स्फेयर है दैट इज ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ओके, एंड द ड्राई फ्रूट्स डिनोट्स इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज। ही ऑल्सो कंपेयर दिस मॉडल of atom with watermelon and he states that ki jo watermelon ka red wala part hai, okay, the red part of the watermelon that is of positive charge whereas the seeds which are embedded into the red juicy part those are known as electrons or negative part। अंडरस्टैंड बेटा, सो ही कंपेयर द मॉडल ऑफ एटम विद क्रिसमस पडिंग और एंड वाटरमेलन। ओके, ही ऑल्सो स्टेट्स दैट पॉजिटिव चार्ज आर ऑलवेज इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और वी कैन से दैट प्रोटोन ऑलवेज इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन। सो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अंडरस्टैंड, सो दिस इज स्टेट्स बाय थॉमसन। बट इन्होंने जो है बेटा इसका एक क्लियरली प्रूफ नहीं दिया था कि क्यों एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ही डजंट स्टेट इन एक्सप्लेनेशन। सो दैट्स व्हाई इसका जो मॉडल था वो कुछ दिन के बाद क्या हो गया, फेल हो गया। अंडरस्टैंड, द मॉडल वॉज फेल आफ्टर सम टाइम। इसके बाद जो मॉडल दिया था दैट वॉज गिवन बाय द रदरफोर्ड। इसने दिया था फिर रदरफोर्ड ने। ओके, और रदरफोर्ड ने क्या किया था, इन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली थी। ओके, गोल्ड फॉइल, आपको पता है सबसे जो ज्यादा मैलेबल मेटल होती है वो गोल्ड होता है। तो इन्होंने गोल्ड फॉइल ली थी एंड दिस इज वेरी थिन, और उस गोल्ड फॉइल से इन्होंने अल्फा रेज को पास कराया था। अंडरस्टैंड, अल्फा रेज को इन्होंने पास कराया था गोल्ड फॉइल से, और जब इन्होंने अल्फा रेज को पास कराया तो उनको तीन जो है ऑब्जर्वेशन, इन्होंने तीन चीजें ऑब्जर्व की। वन इज दैट सम रेज पास क्लियरली एंड देन मूव ऑन अनदर साइड। अनदर इज दैट वन ऑफ द रेज स्ट्राइक टू द सेंटर एंड इट रिटर्न बैक टू इट्स, इट मीन्स आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिटर्न बैक टू द पाथ एंड वन रिटर्न बैक ऑन द सेम पाथ। ऑन दिस पॉइंट और ऑन दिस बेसिस ही स्टेट्स दैट पॉजिटिव चार्ज इज वेरी स्मॉल and it is accumulates in the center. Second ray, he states that the rays strike to the center and they reflect at some angle. And third, that the ray directly strike to the center and they return on their own path. So he explains that the model of atom contains positive charge in the center. Okay, whereas electrons revolve around it. Is that clear, beta? So this is about Jeje Thomson's model and Rutherford's model. Have a good day.